हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये फ़ोटो है, इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद अपने दूसरे बैकग्राउंड इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो कट करने के लिए इस टूल के अंदर जाएंगे, हम पॉलीगॉन के इस टूल में जाएंगे। लेजर टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, ये टूल दो नंबर का, और इसकी हम कटिंग करेंगे। कंट्रोल ओ स्पेस दबाएंगे और इसको इतना जूम कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये कटिंग अच्छी तरीके से हो सके। शिफ्ट दबाए रखना हमें, और इस तरह से अब हटा देंगे। शिफ्ट हमने दबा के इस तरह से, और माउस द्वारा इस तरह से क्लिक करना है, प्रेस करना है इस तरह से, और इसको दबा के इस तरह से कटिंग करनी है। या इसको ऊपर करना है तो भी हम स्पेस का बटन दबाते हैं इस तरह से। जैसे कोई मोड इस तरह से आ गया मोड, तो हमें एल्ट का बटन दबा के इस तरह से हम मोड़ लेंगे इस चीज़ को। तो इसको ऊपर करना है तो हम स्पेस का बटन हम दबाना है इस तरह से। इसकी कटिंग हम करते जाएंगे, ये हमें क्लिक करते हुए कटिंग करनी है इसकी, साथ साथ में हमें क्लिक करते हुए जाना है इस तरह से। इसके आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ पाएगा। दोबारा बता देते हैं आपको, यहाँ से आपको शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करना है, और इस तरह से कटिंग करते हुए लेके आना है। और जैसे ही कोई मोड इसके अंदर आता है तो हम एल्ट का बटन प्रेस करेंगे इस तरह से। एल्ट का बटन इस तरह से प्रेस करके इस तरह से मोड की जो कटिंग है वो हमने कर दी इस तरह से। ये एल्ट हमने दबाया है और इस तरह से एल्ट छोड़ दिया है इस तरह से। और इसको ऊपर नीचे करना है तो हमें स्पेस का बटन हमें दबाना है इस तरह से, साथ साथ और साथ साथ हमें क्लिक करते हुए इस तरह से जाना है। अब हम कोई बटन नहीं दबा रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं। अब हम स्पेस का बटन दबाया हमने और इस तरह से क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एल्ट का बटन दबाया है मोड जैसे है इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर देना है इस तरह से, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा इतना पूरा। कंट्रोल और स्पेस और एल्ट प्रेस करके जूम आउट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या देखना है, पहले हमने शिफ्ट दबाया था, अब हमें ये जो है अंदर की जो कटिंग है एल्ट दबा के करनी है। एल्ट प्रेस करेंगे इस तरह से, कटिंग करेंगे तो ये कटिंग माइनस में हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से ये कटिंग हमें नहीं रखनी है, तो ये माइनस में हो जाएगी इस तरह से। इसके अंदर भी कटिंग है, ये देखिए बैकग्राउंड इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमने एल्ट प्रेस करके इस तरह से माइनस में कर देनी है, जो भी हमें बैकग्राउंड पीछे की दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये हमारा जो है माइनस में हो जाएगा इस तरह से। ये बैकग्राउंड भी माइनस में हो जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग करनी है, मैं आपको समझाने के लिए फास्ट कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, फैदर दबाएंगे, राइट क्लिक करके दो का यहाँ पे फैदर दे देंगे, ओके करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल एन से। नई फाइल के अंदर जाएंगे, इंचेस के अंदर आप कोई भी फाइल ले सकते हो, जैसे 8 और 6 की मैं फाइल ले रहा हूँ, रेजोल्यूशन इसका 350 दे रहा हूँ, ओके करूँगा। यहाँ से इसको बड़ा कर लूँगा और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूँगा इस तरह से। ये फाइल हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। कंट्रोल टी करके एल्ट और शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर लूँगा इस तरह से। कंट्रोल टी एल्ट और शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर लिया हमने इस तरह से। इस तरह से हमने कटिंग करके इस तरह से नए जो फाइल है उसके अंदर हम ले आए। अब हमें बैकग्राउंड इसके अंदर चेंज करना है, कोई भी नया बैकग्राउंड हम ले आते हैं। जैसे हमारे पास ये बैकग्राउंड है, अब इस बैकग्राउंड को इसके नीचे लेके आना है। यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और माउस द्वारा इसको यहाँ स्लाइड करते हुए अपनी फाइल के अंदर ले आएंगे। यहाँ से फाइल को बड़ा कर लेंगे। अब इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट दबा के इसको इसके पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। ये बैकग्राउंड हमने इसके पीछे लेके गए इस तरह से, इस फोटो को हमने आगे ले लिया
लेयर वन है ये लेयर टू है। ये लेयर वन को सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक से और इसको कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ सेट करना है तो यहाँ कर सकते हो। बैकग्राउंड को आप छोटा मोटा कर सकते हो कंट्रोल टी करके, इस तरह से एल्ट और शिफ्ट दबा के इसको पूरा छोटा कर सकते हो, इस तरह से पूरा बैकग्राउंड ला सकते हो। इस बैकग्राउंड को आप ब्लर बैकग्राउंड भी दे सकते हो, जैसे फिल्टर में जाएंगे ब्लर और गॉशियन ब्लर, इस तरह से बैकग्राउंड हम गॉशियन ब्लर भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को। ओके करेंगे यहाँ से इस तरह से। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।